ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम इतने दिनों से भिन्नों के संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज जो हमारा नया अध्ययन करने का है वो है भिन्नों की तुलना, यानी जो भिन्नें आपको दे रखी है उनकी आपकी तुलना करनी है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आपको इसमें विशेष रूप से दो तीन बातों का ध्यान रखना है, उसको ध्यान से देखना समझना है और अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है। जैसे पहले दो भिन्न यदि दी गई भिन्नों के हर समान हो। सबसे पहले सर, दी गई भिन्नों के हर समान हो तो उसके अंशों के आधार पर उसकी तुलना करेंगे यानी दी गई भिन्नों के अगर हर समान है तो उसके जो अंश होंगे उन अंशों के आधार पर हम उसकी तुलना करेंगे। यानी बड़े अंश वाली संख्या यानी अंश वाली भिन्न बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें आपको मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भिन्न के अंदर हर समान हो तो उसके अंशों के आधार पर हम उसकी तुलना करेंगे, और जो सबसे बड़ा अंश होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे मैंने संख्या लिखी 25/48 और 15/48, तो इसमें आपको तुलना करके बताना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि हर समान हो। तो देखिए इसके अंदर हर कितना है 48, इसमें भी हर कितना है 48 पहली। दूसरा, इसके अंशों के आधार पर हम उसकी तुलना करेंगे, तो जो सबसे बड़ा अंश होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो इसमें देखिए आपका जो अंश है वो है 25, इसमें जो अंश है वो है 15। तो इसको देखने में क्या पता चला आपको कि इसके अंदर अंश 25 है, इसमें अंश 15 है और दोनों के हर समान है 48 और 48। तो हम अंशों के आधार पर इसकी तुलना करेंगे, तो 25 बड़ा होता है तो हमारी जो भिन्न संख्या बड़ी होगी वो होगी 25/48। इस प्रकार से आप किसी भी समान भरों वाली संख्याओं का एकदम सरलता से पता कर सकते हैं कि दाएं वाली बड़ी है या बाएं वाली बड़ी है। जैसे हम एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 7/9 और एक लिखा मैंने 11/9। तो इसमें देखिए 7/9 और 11/9, अब इसमें आपके हर क्या है समान है 9 9, लेकिन अंश देखिए, अब ये बाएं वाला 7 दाएं वाला 11, तो बड़ा कौन सा अंश हुआ, 11 बड़ा हो गया। तो इसके अंदर जो बड़ी संख्या होगी आपकी वो कौन सी होगी, 11/9। तो 7/9 इसके अंदर हम
लेस देन का चिन्ह कर देंगे, यानी 11 बट्टे वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। इन चिन्हों का प्रयोग मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एक बार रीजन वापस समझा देता हूँ। अगर इसका वी ऐसे बना हुआ है टेढ़ा और मुंह इसका दाएं तरफ है, तब हम इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। और हिंदी में इसका मतलब होता है से अधिक। क्या होता है? से अधिक। अगर ये दाएं तरफ है, इसका मुंह दाएं तरफ है, तो इसको एकदम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं लेस देन। क्या बोलते हैं? लेस देन। और इसका हिंदी में अर्थ होता है से कम। से कम। अगर हमें इसको बोलने का, तो हम क्या बोलेंगे? 25/48 भिन्न संख्या 15/48 से बड़ी है, ठीक है ना। तो ये पहले आपने नियम क्या पढ़ा कि अगर तुल्य भिन्नों के हर समान हो तो हम उसके अंशों के आधार पर उसकी तुलना करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, और जो बड़ा अंश होगा वह भिन्न संख्या सबसे बड़ी होगी। अब नंबर दो, यदि दी गई भिन्नों के अंश समान है, अंश समान है, तो दोनों भिन्नों में यदि दी गई भिन्नों के अंश समान है, तो दोनों भिन्नों में छोटे हर वाली भिन्न बड़ी भिन्न होगी, अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, जब दी गई भिन्नों के अंश समान है, नंबर एक। इसमें तो हर का समान का कह रहा था, इसमें आपको ये अंश का समान का कह रहा है। अगर अंश समान है तो भिन्नों के अंदर जो सबसे छोटे हर वाली संख्या होगी वह सबसे बड़ी होगी। अब इसको उदाहरण के द्वारा देखिए। उदाहरण, जैसे मैंने संख्या लिखी 3/5 और एक संख्या लिखी मैंने 3/2। आप इसमें आपको पता करना है कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो 3/5 और 3/2। अब इस पर आ जाइए, पहली शर्त अंश समान होना चाहिए, तो अंश देखिए 3 और 3 समान हो गए। दूसरी, छोटे हर, अब देखिए हर को देखिए आप, इधर 5 दे रखा है, इधर 2 दे रखा है, फिर से क्या कहा है? छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है, तो छोटी भिन्न को, छोटा हर कौन सा है इसके अंदर? 2। तो छोटे भिन्न की हर की वाली संख्या कौन सी हुई? 3/2। क्या हुई? 3/2। तो इसको हमने लेस देन का चिन्ह कर दिया, यानी ये संख्या क्या हो गई? आपकी बड़ी हो गई। अब इसके पर इस, अगर आपको ये जो नियम लिखा अगर आपको याद है, तो आप किसी भी भिन्न संख्याओं के अगर हर अंश समान हो तो आप हर को देखकर पता कर सकते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। जैसे एक उदाहरण और कर रहे हैं हम, जैसे मैंने लिखा 15/25 और एक लिखा मैंने 15/37। अब इसमें आपको पता करना है इन दोनों में से कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो शर्त के अनुसार वही देखिए, अंश देखिए, दोनों 15-15 बराबर है, हर पहली भिन्न का हर 25 है और दूसरी का 37 है। अब 25 बड़ा होता है, 37 बड़ा होता है, तो बड़ा कौन सा होता है? 37। तो छोटा कौन हुआ? 25। तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी हो गई, तो आप सीधा सा चिन्ह लगा देंगे और ये आपका आंसर। आप इस, अभी हमने दो नियम पढ़े आपके सामने, पहले भिन्नों की तुलना, पहला जब हर समान हो, दूसरा जब
अंग समान हो। अब तीसरी बात आती है कि दोनों ही असमान हो, अंश भी असमान और हर भी असमान, तो फिर हम कैसे तुलना करेंगे। तो इसको आप ध्यान से देखना थोड़ा सा, ज्यादातर जो पेपर में आप बुक में सवाल है, अभ्यास पर्सन में सवाल है, आप पेपर में सवाल है, इसके ऊपर ही ज्यादा आते हैं। तो हम लिखेंगे असमान, असमान भिन्नों की, असमान भिन्नों की तुलना करने के लिए, तुलना करने के लिए हम उसके उसके हर संख्याओं का, हर संख्याओं का लस ज्ञात करके, लस ज्ञात करके दोनों भिन्न संख्याओं के, दोनों भिन्न संख्याओं के हर को समान बनाकर, हर को समान बनाकर उसके अंश के आधार पर, उसके अंश के, अंश के आधार पर उनकी तुलना करेंगे। अब ज्यादातर आपके पाठ्य पुस्तक में और जो पर्सन आते हैं वो इसी नियम के आधार पर ही आते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, दो असमान भिन्नें दे रखी होगी, तो हम सबसे पहले उसके जो हर होंगे उनका लस ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? लस, यानी हर संख्याओं का लस ज्ञात करके उस लस के अनुसार उन दोनों भिन्न संख्याओं के हम हरों को समान बनाकर उसके अंश के आधार पर उनकी तुलना करेंगे। ये लास्ट वाली बात आपके नियम फर्स्ट, ये तो सेकंड नंबर हमने लिखा था, अंश समान हो तब हम उसको ज्ञात करेंगे। अब इसको आपको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए मैंने संख्या लिखी 3/2, 3/2 और एक लिखी मैंने 5/4, 5/4। अब देखिए ना तो इसके अंदर अंश समान है और ना ही इसके अंदर हर समान है। अब इसकी आपकी तुलना करनी है। अगर पहला नियम था हमारा, जब हर समान हो तो हम अंश को देखकर पता कर लेते कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। दूसरा, अगर अंश समान होता तो हम हर को देखकर पता कर लेते। लेकिन तीसरी बात आ रही है, ना तो अंश समान है ना हर समान है। तब इसने क्या जैसे लिखा मैंने यहाँ पे कि आपको हर संख्याओं का क्या निकालना है, लस निकालना है। तो इसके अंदर हर संख्या आपको दे रखी है 2 और 4। अब जैसे 2 और 4 का मैंने लस निकाला, तो ये 1 बार, ये 2 बार, और फिर 2 का किया 1, 1, दोनों की हम गुणा करेंगे तो 2 × 4, तो हमारा हर कितना आया, 4। तो जैसे तो हम लिखेंगे हर संख्या, हर संख्या 2 व 4 का लस बराबर, तो हमारा लस भी कितना आया, 4। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के हरों को समान करना है, यानी 4-4 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो अगर 2 को, इसका तो हमें दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो पहले से 4 दे रखा है आपको केवल, तो हमें केवल किसको करना है, 3 को करना है, 3/2 वाली हर को समान करना है। तो 3/2 इंटू, अब इसका हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 को पढ़ा 2 बार बोलते तो 4 होता है, तो इसको अंश और हर को हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। तब ये हो गया 3 × 6 और ये हो गया 2 × 4, यानी पहली भिन्न का
6/4 और दूसरी बिंदु थी आपकी वो तो पहले से ही 5/4 इसको हर को हमें बदलने की जरूरत नहीं है। अगर बदलना पड़े तो आप इसको भी बदल सकते हो। तो हमारे पास पहली बिंद अब बन गई 6/4, दूसरी बिंद हमारे पास है 5/4 यानी 6/4 और 5/4। अब देखिए दोनों का हर हो गया समान, तो अंश को देखिए 6 अंश बड़ा है तो आपकी ये संख्या 6/4 वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं, अतः अब जो आपको दो मेन भिन्न दे रखी थी उनको लिखना है कि 3/2 और 5/4 में से ये 3/2 वाली भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब इस प्रकार आप असमान भिन्नों की भी तुलना कर सकते हैं। आज इन नियमों को वापस पढ़िए, इनको नोट कीजिए, कल इसके हम सवालों के बारे में चर्चा करेंगे कि इनके किस प्रकार से हम सवालों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।